फ्रांस में मानव तस्करी के संदेह में पेरिस के पास एक एयरपोर्ट पर 3 दिन से रोके गए विमान को आज उड़ान भरने की इजाजत मिली, क्योंकि फ्रांस की एजेंसी ने विमान को छोड़ दिया है। विमान में 303 यात्री सवार हैं, जिनमें अधिकतर भारतीय हैं। फ्रांस ने क्यों रोकी भारतीय फ्लाइट? विमान में थे 303 भारतीय यात्री। यूएई से निकारागुआ जा रही थी फ्लाइट, मानव तस्करी के संदेह में रोका गया विमान। फ्रांस में रोके गए करीब 303 भारतीय यात्रियों से भरी फ्लाइट को आज रवाना कर दिया जाएगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से निकारागुआ जा रही थी ये फ्लाइट, जिसे फ्रांस ने 3 दिन पहले अचानक रोक दिया था और विमान में मौजूद लोगों से पूछताछ की थी। खबरों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रहे विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में उतार लिया गया था। आपको बता दें कि विमान को जाने की अनुमति देने के बाद फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण 300 से अधिक यात्रियों को रोके जाने के मामले की सुनवाई रोक दी। मानव तस्करी के संदेह में गुरुवार से पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में वैटरी हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए 303 यात्रियों से 4 फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने रविवार को पूछताछ शुरू कर दी थी। ये सुनवाई मानव तस्करी के संदेह पर पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा शुरू की गई जांच के हिस्से के रूप में की जा रही थी।